नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारिजात के बारे में। पारिजात को हम हार श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं और नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। यही वो पौधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो इसकी हाइट करीब 25 फुट के आसपास चली जाती है, और गमले में लगाते हैं तो देखो गमले में भी बहुत ही शानदार तरीके से बड़ा हुआ है। करीब 8-8.5 फुट के आसपास इसकी हाइट गई हुई है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा समुद्र मंथन के समय इस पौधे की उत्पत्ति हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की जिद को पूरा करने के लिए भगवान इंद्र से युद्ध करने के पश्चात इसको पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो और ये जो पौधा है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर किसी भाई को जोड़ों में दर्द है, किसी भाई बहन को जोड़ों में दर्द है, साइटिका की दिक्कत है और गठिया भाई की शिकायत है, तो करना क्या है कि हमें इसके 7-8 पत्ते लेने हैं, और इसके फूल, ये जो आप देख रहे हैं इसके वाइट कलर के फूल हैं, ये इसको रात पर ही इसके फूल खिलते हैं, रात को जाते हैं, और सुबह करीब 6:30 बजे तक इसके फूल रहते हैं। तो करीब 5-7 पत्ते लेने और 10-12 फूल लेने, और इनका हमें पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को 2 गिलास पानी में बॉयल करना है, धीमी आंच पर बॉयल करना है, और तब तक बॉयल करना है जब तक कि वो आधा ना रह जाए। आधा रह जाने के बाद उसको ठंडा होने के पश्चात घूंट कर करके आराम से पीना है, और यह प्रक्रिया हमें कम से कम भी 1 महीना करनी है, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। कुछ भाई बहन सोचते हैं कि 1 हफ्ता पी लिया कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, फ़ायदा 101% होगा, लेकिन यह आपको 1 महीना कम से कम पीना पड़ेगा। और अगर किसी को स्किन की दिक्कत है तो इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाओ, स्किन भी चमकदार होगी और स्किन की भी दिक्कत ठीक होती है। अगर किसी को सूखी खांसी है तो इसके 5-7 पत्ते लें और इसका पेस्ट बनाकर शहद के साथ इस्तेमाल करने से सूखी खांसी में भी बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यू वाला पौधा है, हर घर में होना चाहिए, आप भी अपने घर लेकर आएँ। और इसके जो फूल हैं ये अक्टूबर से करीब दिसंबर तक आते हैं और रात में ही खिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा पौधा है, आप इसको अपने घर पर लेकर आएँ और फ़ायदा लें। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहन जिनको भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, साइटिका की दिक्कत है, गठिया भाई की दिक्कत है, वो भी इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।